हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी टेट मेडिकल। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक, कि एक फाइबर से हम फैब्रिक को कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, या फिर एक फाइबर होता है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या फिर उसका सोर्स क्या होता है, और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो यूज़ होते हैं एक फ़ाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स। जैसे कि हमें पता है कि फैब्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जैसे नायलॉन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया। तो कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होंगे जो हमें नेचर से मिलेंगे। नेचर में कौन कौन एग्जिस्ट करता है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो कुछ फाइबर्स होंगे वो हमें प्लांट से मिलेंगे, कुछ फाइबर्स होंगे वो एनिमल्स से मिलेंगे। उनको हम कैटेगराइज करके रखेंगे नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में, और इसके अलावा कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम कुछ फाइबर्स को बनाते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है, जिसमें पूरा का पूरा ये चैप्टर कवर हो रहा है कि एक्चुअल में इसमें चैप्टर में बताया क्या है। इसमें बेसिक से ये तीन पार्ट्स कह सकते हैं, या फिर तीन हम ये बोलेंगे स्टेप्स हैं फाइबर से यार्न बनाने का, यार्न से फैब्रिक बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइबर की बात करते हैं, जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है कि फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने बताया है कि कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। और नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम किसी फैब्रिक की बात करें, जैसे फिगर 3.3 में एक फैब्रिक दिखाया है और उसमें से एक वो थ्रेड पुल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी कपड़े में से कोई धागा निकालते हैं तो उसको हम यार्न बोलते हैं। यार्न इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू थ्रेड, बट इनमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा। इनको हम सेम वन एंड द सेम थिंग नहीं बोल सकते, बट ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेलिटी ऑफ अ सिक्स क्लास चाइल्ड, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, बट इनमें डिफरेंस होता है। यार्न एंड थ्रेड आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो उसमें से हम ये थ्रेड निकालेंगे, मतलब यार्न निकालेंगे, और जब हम इसको मसलेंगे या फिर हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो 3.4 फिगर में देखिए, इसको पहले हमने ट्विस्ट किया या स्प्लिट करा, तो 3.5 में जो ये डिफरेंट डिफरेंट से और भी माइन्यूट से थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। ठीक है, इसको हम फाइबर्स बोलते हैं। मेनली फाइबर्स क्या हुए, ये थिन स्ट्रैंड्स होते हैं किसके? थ्रेड के, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, जो बने होते हैं और भी ज़्यादा पतले स्ट्रैंड्स के साथ, उनको हम फाइबर बोलते हैं। देन इट्स बेसिकली दैट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एट्सेट्रा। और उसके अलावा अगर हम दोनों में से क्लासिफाई करें, प्लांट्स में से हमें पर्टिकुलर कौन से मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर हमें कौन से मिलते हैं? वूल एंड सिल्क। और भी काफ़ी ऐसे एनिमल्स होते हैं, और उसमें से जो एग्जांपल होंगे एनिमल्स के वो होंगे शीप और गोट। और इसके अलावा कुछ और भी जानवर या फिर एनिमल्स हमारे पास होते हैं जिनके हम हेयर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स, यॉर्क एंड कैमल। और उसके अलावा एक इंसेक्ट होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, जिससे हमें सिल्क का फाइबर मिलता है, वो कोकून में से ऑब्टेन होता है। देन आगे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो केमिकल से मेड अप होते हैं, उनको ना तो हम प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, ना ही हम एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और उनके एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कॉटन की। कॉटन जो होती है उसको हम मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फ़ाइबर है ये। ठीक है, हर घर में मिल जाती है, जिसको हम मेट्रिसेस में या फिर गद्दे बनाने में काम करते हैं, या फिर रजाइयाँ भरने में, उसमें भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम पिल्लोज़ में भी कॉटन का यूज़ करते हैं। कॉटन मतलब रुई है ना। और इसको जो मेनली कहाँ उगाया जाता है? जो ब्लैक सॉइल होती है और जो वार्म क्लाइमेट होता है, जो हमारे आसपास नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो
तो वार्म क्लाइमेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? दैट इज़ राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे ब्लैक सॉयल प्रेजेंट होती है। ये दो वर्ड्स याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉटन जो होती है वो कहाँ पे ग्रो की जाती है, ब्लैक सॉयल में और वार्म क्लाइमेट में। और इसके अलावा जो कॉटन होती है वो दिखने में होती कैसी है, ये जो इसमें फिगर 3.6 दिख रही है, ये फील्ड हैं कॉटन प्लांट्स के। ये एक्चुअल में होता क्या है, कॉटन की बोल्स होती हैं, ठीक है, नींबू के साइज़ की कॉटन की बोल्स होती हैं, जो मेच्योरिटी में क्या होता है, ऐसे जैसे बर्स्ट होती है, बर्स्ट मतलब कोई चीज़ फटना, जैसे कोई चीज़ फट जाती है और फिर उसके ऊपर वो फूल की तरह खिलती है मेच्योरिटी के टाइम पे। और सीड्स जो होते हैं वो कॉटन के फाइबर्स के साथ कवर्ड हो रखे होते हैं, फिर उनको हम सीड्स, जो कॉटन को होता है उसको एक प्रोसेस के साथ, जो गिनिंग प्रोसेस होता है उससे हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, इसको देख लेना। तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जूट की। जूट जो होता है वो स्टेम से, जूट का एक प्लांट होता है, जो ये फोटो दिख रही है जूट के प्लांट की, उसमें से स्टेम से हम ऑब्टेन करते हैं। और ये मेनली कब कल्टीवेट किया जाता है, रेनी सीजन्स में, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये मेनली कहाँ ग्रो करते हैं, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। और इसको मेनली हम फ्लावरिंग स्टेज में ही हार्वेस्ट करते हैं। इसकी स्टेम और रूट्स जो होती है उनको हम हाथ से सेपरेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, मेनली जो जूट का प्लांट होता है ना, काफ़ी टाइम तक हम इसको पानी में डाल के रखते हैं, मतलब जैसे बहुत बड़े रिवर्स होते हैं या फिर कैनाल्स होती हैं, वहाँ पे इनके जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी हाइट के होते हैं, और इनको हम काट के उसमें काफ़ी दिनों तक उसमें रख देते हैं, और वो जैसे गलना शुरू हो जाते हैं ना, अलग अलग फाइबर्स बन जाते हैं, वैसा कुछ बन जाता है, और उसको हाथ के साथ सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद टू मेक फैब्रिक्स, ये सारी जो फाइबर्स होती हैं उसको सबसे पहले हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे तीन स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, फाइबर का डिस्कस कर लिया अभी हमने कि फ़ाइबर हमें कहाँ से मिली, कैसे ऑब्टेन करी, उसका सोर्स क्या था। अभी हम उसको बोल रहे हैं कि सबसे पहले उसको यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा फैब्रिक में बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके प्रोसेस के लिए, उसका जो मेन प्रोसेस होता है, बेसिक प्रोसेस होता है, दैट इज़ स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। फिर उसके उसमें मेनली करते क्या हैं, जो फाइबर्स होती है ना कॉटन, जैसे कॉटन की हम बात करेंगे, कॉटन वुड, जैसे हम बत्तियाँ बनाते हैं ना, कई बार दिवाली पे देखा होगा या फिर मंदिर में जब दिए जलाते हैं तो कुछ बत्ती सी बनाते हैं हम, उसको से ट्विस्ट कर करके हाथ से, ठीक है। तो उसको टुगेदर, उसको जब वो हम इकट्ठा करते हैं एक अलग अलग फाइबर को ट्विस्ट करके, तो उसको हम यान बोलते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल सी डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम तकली बोलते हैं, और उसके लिए एक और स्पिनिंग डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं चरखा, ठीक है। चरखा तो हम मतलब काफ़ी पॉपुलर है, जो महात्मा गांधी जी के थ्रू पॉपुलर हुआ था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हमें पता चल गया यान कैसे बना वाई द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। अब हम बात करेंगे यान को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की। उसके लिए हमने ऊपर बेसिक दो प्रोसेस देखे थे, एक था वीविंग और एक दूसरा था निटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे वीविंग की। जब दो यान को हम टुगेदर एक फाइबर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम वीविंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी के साथ देख सकते हैं, दीज आर फन एक्टिविटीज़ फॉर चाइल्ड, ठीक है। इसको आप करवा सकते हो या फिर इस लेवल पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। तो उसके बाद हम बात करेंगे निटिंग और वीविंग और फाइबर टर्न ऑन, जो नॉर्मली वो किस पे होता है, लूम्स पे किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे निटिंग। निटिंग तो अच्छे से हर किसी को पता है, हर किसी की मम्मी जो स्वेटर बुनती है घर में उसको पता होगा अच्छे से कि निटिंग क्या होता है, जैसे कि इस फिगर 3.14 में दिखाया हुआ है, उसको हम निटिंग बोलते हैं। कीप ए पीस ऑफ फैब्रिक को बनाना विद द हेल्प ऑफ यार्न्स, ठीक है। फिर निटिंग को हम कैसे कर सकते हैं, बाय हैंड। नॉर्मली तो घरों में, हमारे घरों में तो हैंड के थ्रू ही होती है, जो फिर हम कई बार देखते हैं कुछ स्वेटर्स होती हैं वो, मतलब हम बोलते हैं ये मशीन वाली स्वेटर्स है, या फिर बाज़ार में जो बिक्री होती हैं वो मशीन से बनी हुई होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
नॉर्मली जो इसमें हाईलाइटेड है दैट इज़ वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करेंगे क्लोथिंग मटेरियल की। जैसे हमें पता है पुराने टाइम में लोगों को पता नहीं था कि कपड़े कैसे बनाने होते हैं, वो कपड़े पहनते भी नहीं थे, तो उस टाइम पे सिर्फ जो क्या होता था ट्रीज़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे और जो बार्क्स होती थी, बार्क मतलब छाल, पेड़ों की जो छाल होती है, या फिर एनिमल स्किन या फिर फर, उनको यूज़ करते थे वो खुद को ढकने के लिए। फिर उसके बाद जब उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होना शुरू किया तब उनको पता चला कि हाँ हम इनको ट्विग्स को या फिर ग्रासेस को हम मैट्स में या कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इनसे हम बास्केट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो वाइन्स थी मतलब जिसको हम बेले बोलते हैं, या फिर हेयर्स, उनको हम ट्विस्ट करके इनको लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना सकते हैं, और उन स्ट्रैंड से हम फर्दर उनकी वोवन करके उनको फैब्रिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड अप आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन ऑफ रिवर गंगा। जो इंडियंस थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन ही प्रेफर करी, और वो भी कहाँ के लोगों ने जो गंगा के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ पे इसकी कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा कुछ फ्लैक्स प्लांट भी होता था जिसको जो नेचुरल फाइबर है और जो इजिप्ट में यूज़ हुआ करता था, किसकी, नील नदी के किनारे, ताकि उनसे फर्दर फैब्रिक्स बना सके। जिन दिनों में स्टिचिंग का पता नहीं था लोगों को, उस टाइम पे वो लोग सिर्फ नॉर्मली ड्रैप कर लेते थे फाइबर्स को अराउंड देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे इन्वेंशन हुई सुई की, धागे की, उनको पता चला स्टिचिंग भी कर सकते हैं फाइबर्स की और उनको अच्छा और डेकोरेट कर सकते हैं, तो उनमें और ज़्यादा वेरिएशन आने लगी। बट हैरानी की बात बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये बोल सकते हैं कि आज भी लोग कुछ ऐसे हमारे जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि जिनको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल वी कैन ड्रैप देम विदाउट स्टिचिंग। फॉर एग्जांपल साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सारे ऐसे पीस ऑफ फैब्रिक्स होते हैं जो अनस्टिच्ड होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर की। जैसे कि हमने दो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारी जो कंट्री में फूड वैरायटी के साथ साथ फैब्रिक्स की भी बहुत सारी सारी वैरायटीज़ हैं, और ये मेनली इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद इसके जो की वर्ड्स हैं वो भी हमने कवर किए, कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न, ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए। और फिर हम इसकी समरी की बात करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स होते हैं जिनको हम कॉटन बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, वूल बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं, और जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बने होते हैं, देन जो यार्न होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, मैंने उल्टा बोल दिया, जो फैब्रिक होते हैं वो यार्न से बने होते हैं, एंड देन जो यार्न होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स जो आइदर नेचुरल, जो ऊपर एक्सप्लेन किया था कि फाइबर नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल की अगर हम बात करेंगे तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट होंगे, और अगर हम सिंथेटिक की बात करेंगे तो उसमें नायलॉन और पॉलिएस्टर के एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि प्लांट से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं दैट आर कॉटन एंड जूट, और उस प्रोसेसिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड फाइबर्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाई वेविंग एंड निटिंग। तो इट वॉज़ वेरी बेसिक चैप्टर, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आप समझ आया हो सके तो इस चैप्टर को, ये ऊपर जो दिया हुआ है मैंने फ्लो चार्ट, इसी से कवर करने की कोशिश करें क्योंकि इसमें खास ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।